सामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। देखते हैं आज की बड़ी खबर। ग्राम कैड़ी में घूम रहा भालू गिरा कुएं में। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला उसे बाहर। छतरपुर शहर से सटे हुए ग्राम कैड़ी में एक भालू के आ जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया और भालू को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई, जिससे भालू इधर उधर भागने लगा और भागते भागते एक कुएं में गिर गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग छतरपुर को दी गई और वन विभाग की टीम तत्काल ग्राम कैड़ी में घटनास्थल पर पहुंच गई और भालू को रेस्क्यू करने के लिए बाहर निकालने के लिए पन्ना वन विभाग की टीम को बुलाना पड़ा, जिसने रेस्क्यू कर कुएं से गिरे हुए भालू को सकुशल बाहर निकाल लिया। रात में ये पहाड़िया है, पहाड़िया से नीचे निकला है, दिन हो जाने के कारण ये जो है थोड़ा सा विचलित हो गया कि हम कहाँ जाएं। ठीक है, तो ये आके यहाँ पे एक खेत में बैठ गया। खेत के बाद गांव है केड़ी गांव, केड़ी गांव में चला गया। सूचना मिलने पर स्टाफ आया और जब स्टाफ यहाँ पे आया तो पता लगा कि वो दौड़ के जाके कुएं में गिर गए। उसको अपन ने पानी से ऊपर कर लिया है, पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम को बुलाया है, ट्राई करके उसको फिर पिंजरे में बंद करके उसको जंगल में। टीम कितनी देर में पहुंचेगी? अब ये पन्ना टाइगर रिजर्व में अपन ने खबर करवा दी है एसडीओ साहब के माध्यम से। जैसा ये क्या तब तक भालू को ऐसी लटका के रखेंगे आप लोग? अभी तो उसकी जान बचाना है अपन को, तो इसलिए अपन को प्रयास तो करना ही पड़ेगा। जान अगर वो पानी में डूब के मर जाएगा उससे अच्छा है कि उसको अपन थोड़ा सा पानी से ऊपर करके रखे हुए। और कोई वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हैं? हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं, सब लगे हुए हैं, बता रहे हैं सब पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम को, तो सबको बता रहे हैं। चलिए, रेंजर साहब अवस्थी जी हमारे साथ थे और ये 6 बजे आ गया था भालू, तो पीछे घर के पीछे था, तो कुछ लोग, एक मेरा भाई भी था, तो उसके ऊपर हमला भी किया उसने, तो लैंडिंग करने गया था गांव में, तो उसके पीछे का तो आवाज लगाई तो सब लोग गांव के दौड़ के आए, फिर छतरपुर में सामने किया सब लोग, सब की भाई बहन विभाग की सर की, तब उसको रेस्क्यू किया। गाँव के अंदर भी गया था क्या? थोड़ी सा गया था, फिर वहाँ से गाँव वालों ने भगाया सब लोगों ने, तो इसलिए।